नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की अभी की पांच बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे। दूसरी खबर में बात करेंगे, उत्तराखंड में बिजली की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी खबर में बात करेंगे, पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट होगा, अदालत से मंजूरी मिल गई है। चौथी खबर में बात होगी, पुरोला धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी हुई है। और पांचवी खबर में बात करेंगे, उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। चलिए टॉप फाइव की शुरुआत करेंगे जोशीमठ से। जोशीमठ में बड़ा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से दूसरी बार जोशीमठ पहुंचे। कल शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करने के बाद सारे कामों को छोड़कर जोशीमठ पहुंचे। जोशीमठ पहुंच करके उन्होंने लोगों से एक बार फिर से मुलाकात की, ग्राउंड पर चल रहे कामों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई तरह की बातें भी वहां पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी घर को तोड़ा नहीं जाएगा, ये सरासर गलत बात है। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो होटलों को, दो बिल्डिंगों को तोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन वो भी सहमति के आधार पर फैसला लिया जाएगा। जो होटल के स्वामी हैं, वहां के लोग हैं, उनसे सहमति ली जाएगी और उसके बाद ही स्थानीय प्रशासन काम करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह कहा कि ऐसे संकट की घड़ी में मेरा सबसे पहला यह दायित्व और सबसे पहला यह काम है कि मैं जोशीमठ के लोगों के साथ वहां पर मौजूद रहूं। मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे तो स्थानीय लोगों की भावनाएं जो है वो भी छलक पड़ी। मुख्यमंत्री के सामने लोग रोने लगे, रोते हुए अपनी बात कहने लगे। लोगों ने कहा है कि जोशीमठ को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि यहां के लोगों के लिए एक फौरी सहायता के तौर पर जो मुआवजे की राशि का ऐलान किया गया है वो तत्कालिक एक ऐलान है, आगे भी इसमें और भी डेवलपमेंट किए जाएंगे। आपको बता दें कि वहां पहुंचने से पहले यह घोषणा की गई थी कि जोशीमठ के जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए 1.5 लाख रुपए तत्काल एक मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे और इसके अलावा 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे भी लोगों को लगातार सहायता दी जाएगी, ये फिलहाल फौरी तौर पर दी जाने वाली राशि है। दूसरी खबर बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति की कमी को लेकर। दरअसल उत्तराखंड समेत पूरे देश भर में बिजली की किल्लत कई जगहों पर देखने को मिल रही है। ठंड के इस मौसम में जहां बिजली की बेहद ज्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे मौसम में जो बिजली की डिमांड है उस डिमांड को पूरा करना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। विद्युत मांग के सापेक्ष उपलब्धता कम होने के चलते विद्युत आपूर्ति की जो व्यवस्था है, बिजली आपूर्ति की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। उत्तराखंड में भी विद्युत की मांग जितनी है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसे पूरा करने के लिए ऊर्जा निगम कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो कोशिश जो है फिलहाल नाकाफी साबित हो रही है। देश में गैस और कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वहां पर नदियों का जलस्तर न्यून होने से भी इन विद्युत परियोजनाओं का उत्पादन घटा है। उत्तराखंड में जो बिजली संकट का कारण बताया जा रहा है वो ये कि एनटीपीसी से आवंटित कोटे की 200 मेगावाट में से महज 100 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्रालय और एनटीपीसी से इस कोटे की बिजली को उपलब्ध करवाने की गुहार भी लगाई है ताकि बिजली कमी को पूरा किया जा सके। बात अंकिता हत्याकांड की। अंकिता हत्याकांड में नार्को टेस्ट के लिए तीनों आरोपियों के लिए जो अर्जी दी गई थी उसमें से कोर्ट का फैसला यह आया कि सिर्फ एक ही आरोपी यानी कि जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है पुलकित आर्य, उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। उसके नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया है कि 3 जनवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपनी दलीलें रखी गई थी। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला 5 जनवरी के लिए निर्धारित किया था, लेकिन 5 जनवरी के बाद भी इसमें समय मांगा गया, जिसके बाद 10 जनवरी की तिथि जो है वो नियत की गई थी। और इसमें अब जो फैसला है वो ये आया कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट अंकिता मर्डर केस में पुलकित आर्य का होगा। बात पुरोला धर्मांतरण को लेकर। दरअसल दिसंबर के महीने में पुरोला से एक धर्मांतरण की खबर सामने आई थी जिसमें काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। इस धर्मांतरण की खबर में अब अपडेट ये है कि इसमें एक गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि पुरोला में हुए इस धर्मांतरण के बाद काफी ज्यादा विवाद प्रदेश में देखने को मिला था और देहरादून से अब इस मामले में गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक पादरी को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से अमन पास्टर और उसकी पत्नी एकता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार देर रात को ये गिरफ्तारी हुई है, ये बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि धर्मांतरण के मामले में पादरी और उसकी पत्नी समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से पादरी और उसकी पत्नी को अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बात अब उत्तराखंड के मौसम को लेकर। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। कल देर शाम से उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून जैसे मैदानी इलाकों में भी रात को हल्की बूंदाबांदी हुई है। इसके अलावा पर्वतीय इलाकों में भी बूंदाबांदी और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। इसके अलावा भी उम्मीद यह है कि आने वाले कुछ दिनों में ये मौसम इसी तरीके से करवट बदल सकता है। बारिश के साथ साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी जारी रह सकती है। ये उत्तराखंड की पांच बड़ी खबरें थी, इनको लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।